वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। राखी, सदवचन, शैली, रागिनी, अंशिका, जतिन, अपूर्वा, अवाम वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट एवरीबॉडी कैन ज्वाइन। 3 दिन के बाद करंट अफेयर्स हो रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस ब्रेक, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मेरे को ब्रेक लेना पड़ा। एंड सो वी आर बैक। ऑब्वियसली हम जो 3 दिन के करंट अफेयर्स हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। आज ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज हैं, सो वेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी न्यूज है। चलिए, प्रियंका, विकास, हर्ष, मिथिलेश, सिद्धांत, मैं ठीक हूँ कंपैरेटिवली कल से, धन्यवाद आप लोगों की बेस्ट विशेस के लिए। दीप, स्नेहल, सौम्या, चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, ठीक है जी। और ये सेशन उन सब के लिए है जो यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं या जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स विद एनालिसिस पूछा जाता है जिसमें आपको बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट है, उन सब के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। और दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स 100 बाय टीम निष्ठा। और ये सोशल मीडिया हैंडल हैं जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आज की न्यूज का एक ओवर आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले रॉयल नेवी ने सीज किया है हंड्रेड ऑफ किलोग्राम्स ऑफ क्रिस्टल मिथेम मेफ्टामाइन, अरेबियन सी में कह लीजिए ड्रग है, लगभग 120 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस के, अगर मैं देखूं, मैं आपको बताऊंगा कितने का जो है ड्रग जो है सीज किया गया। रशिया ने रैंप अप किया है सिक्योरिटी को आफ्टर ब्लास्ट डिस्ट्रॉयज द पार्ट ऑफ क्रीमियन ब्रिज, क्रीमिया को जोड़ने वाला ब्रिज में धमाके हुए, उसके बाद रशिया ने मिसाइल अटैक बढ़ा दिया है यूक्रेन पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके क्या मायने हैं। श्रीलंका ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात शुरू कर दी है चाइना के साथ, चाइना का क्या टेक है इसके बारे में बात करेंगे। स्पेसएक्स कैप्सूल में रशियन कॉस्मोनॉट भी होंगे जो कि आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये आईएसआईएस नहीं है, ये आईएसएस है, ध्यान रखना। ओके, रशियन नेम्स न्यू जनरल टू लीड यूक्रेन ऑफेंसिव वॉर, क्योंकि रशिया को काफी नुकसान हो रहा है तो उसके लिए नए जनरल या के लिए नए आर्मी चीफ आए हैं वहां पर। यूएन अडॉप्ट्स 2050 गोल ऑफ नेट जीरो एमिशंस फ्रॉम प्लेन, एयरप्लेन। आज 3 घंटे चलेगी आफ्टर 2 मंथ्स। चलिए, गुड अंशिका, वेलकम बैक, ठीक है। वॉल्टर व्हाइट एंड जेसी पिंकमैन इज अरेस्टेड बाय, ठीक है जी, बहुत सारी न्यूज है। कर्ट्स ब्रिज, यस राखी। सो उसके बाद यूएन पॉन्डर्स रैपिड आर्म्ड फोर्सेस टू हेल्प हाइती क्राइसिस, हाइती में क्या क्राइसिस चल रहा है इसके बारे में समझेंगे। मलेशिया में सरकार अपना टर्म पूरा करने से पहले ही वहां पर पार्लियामेंट को डिसॉल्व या कह लीजिए भंग कर दिया गया है और नए इलेक्शंस होने जा रहे हैं। किर्गिस्तान ने सीएसटीओ, सीएसटीओ क्या है, रशिया लेड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप नाटो के बारे में पढ़ते हैं जिसमें 30 देश हैं, वैसे ही एक सीएसटीओ है उसके बारे में देखेंगे जिसमें 6 देश हैं। नॉर्थ कोरिया ने और मिसाइल लॉन्च की है, कह रहा भाई सब मैं रुकने वाला नहीं हूं। की इंडिपेंडेंस वोट टू बी हेल्ड इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या है इसके बारे में आज जानेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज में पीआर श्रीजेश, सविता पुना पुनिया, ये हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। नेशनल न्यूज में हम देखेंगे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है, ये भी मतलब नेशनल न्यूज में भी कम से कम 7-8 न्यूज हैं। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज की। सेंट्रल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी नहीं है करेंगे अभी, ठीक है जी, एक एक करके शुरू करते हैं सेशन को। चलिए, सो रॉयल नेवी सीजेस हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ क्रिस्टल मेथम मेफ्टामाइन इन अरेबियन सी। तो यूनाइटेड किंगडम दैट इज यूके की रॉयल नेवी ने एचएमएस मॉन्ट्रोज हैज सीज्ड हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ क्रिस्टल, इस पर्टिकुलर ड्रग को अरेबियन सी से पकड़ा है। ये 5वीं इस तरीके की ड्रग की रेड है। अगर मैं कहूं पूरी दुनिया में ये ड्रग आप देख सकते हैं
ये ड्रग के बारे में ये कहा जाता है कि ये पोटेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अगर इसकी लो डोज ली जाए तो इट कैन एलिवेट द मूड, इंक्रीज द अलर्टनेस। बट प्रॉब्लम यहां पर आता है जब इसकी हायर डोजेस ली जाती हैं, जो कि कैन लीड टू डेथ ऑल्सो इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। यहां पर आप देख सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल रैपिड मूड स्विंग्स, स्टिमुलेंट साइकोसिस, ये लेकर आता है। बहुत पोटेंट ड्रग है, ड्रग के रूप में कह लीजिए, जिसको हम एनडीपीएस एक्ट के तहत बैंड ड्रग कहते हैं, वो है। और इसको यूके की नेवी ने पकड़ा है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि ये 870 केजी, कितना, 870 केजी, और जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है 15.5 मिलियन पाउंड्स। अगर मैं आज के समय पे 80 रुपीज को मानता हूं तो 15.5 मिलियन, तो 1 मिलियन मतलब 8 करोड़ रुपए, इंडियन रुपीज। तो 15 को मल्टीप्लाई कर लो 8 से, 120, तो लगभग 125 करोड़ इंडियन रुपी, अप्रोक्सीमेटली, जस्ट समझाने के लिए आपको, इतना जो है ड्रग्स पकड़ा गया है। अब इसके मायने ये भी है कि ये सारी की सारी ड्रग की फंडिंग जो है, आप कह सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं कार्टल बना हुआ है, यही फर्दर ड्रग्स के थ्रू इसकी जो फंडिंग है वो आपको टेररिज्म के रूप में देखने को मिलती है। और इसको लेकर हम एक टर्म भी यूज करते हैं, नार्को टेररिज्म, ठीक है, कि किस तरीके से ड्रग्स फैलाए जा रहे हैं देशों में ताकि जो यूथ है उसको खत्म किया जा सके, यूथफुलनेस को खत्म किया जा सके, और कंट्री को कह सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जा सके, और वहां से जो पैसा आएगा आपको उस ड्रग्स को बेचने पे, वो यूज किया जाता है आपका वेपन्स के लिए और टेररिज्म टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। ठीक है जी? नहीं जी, अब बैंड ड्रग है ये। और एनडीपीएस एक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, एनडीपीएस एक्ट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि सीधा मतलब मैक्सिमम ऑफेंसेस, या कह लीजिए मैक्सिमम केसेस में वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, तो काफी सीरियस है ये चीज। ओके, तो ये आपका यहां पर अरेबियन सी में पकड़ा गया। तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है तब से ये चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है। और ये आपको इसको लेकर भी वेस्ट एशिया से ये चीजें मिल रही हैं, कंपैरेटिवली बेटर। सो मैन, थैंक यू। ये वहां के शिप का नाम है, वहां के शिप का नाम है, ठीक है। चलिए, यूएस में ड्रग कंजम्पशन बहुत है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये यूज किया जा रहा है, मैंने जैसे आपको बताया, इसको नार्को टेररिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया ने रैंप अप किया है सिक्योरिटी को आफ्टर ह्यूज ब्लास्ट डिस्ट्रॉय पार्ट्स ऑफ क्रीमियन ब्रिज, क्रीमिया को जोड़ते हुए जो ब्रिज है। देखिए, अगर आप देखेंगे जो क्रीमियन पेनिनसुला है जिसको 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था, तो उसके साथ लैंड बॉर्डर नहीं है, इसीलिए इस बार जो 4 प्रोविंसेस को एनेक्स किया है रशिया ने, उसके साथ सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि उसके थ्रू जो 4 प्रोविंसेस हैं, जिसमें हमने देखा लुहांस आपका, जेफ्रोजिया और खेरसोन जो प्रोविंस है, तो उसके बाद आपका लैंड रूट आ जाता है क्रीमियन पेनिनसुला। बट यहां से अगर आप देखेंगे जो कर्च स्ट्रेट है, तो यहां पर आपको एक पुल मिलता है, तो इस पुल में धमाका किया गया है। और इसके बाद रशिया ने जो मिसाइल अटैक है वो बढ़ा दिया है यूक्रेन पर, और कहीं ना कहीं बार बार न्यूक्लियर वॉर की, या न्यूक्लियर वॉरफेयर की, या न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी जा रही है। तो इसको लेकर यूएस कई बार कह चुका है, यूएस ने इवन अपने सिटीजन्स को भी कह दिया है कि वो इमिडिएटली वहां से बाहर आ जाएं, जो भी यूएस सिटीजन किसी भी वजह से रशिया में हैं, तो वहां से वो देश छोड़ के सुरक्षित बाहर आ जाएं। सो आफ्टर ह्यूज ब्लास्ट डिस्ट्रॉयड पार्ट्स ऑफ क्रीमियन ब्रिज रिसेंटली, रशिया हैज रैम्प्ड अप इट्स सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर्ड द फेडरल सिक्योरिटी सर्विस वो ओवरसी करें टू द की कनेक्टर टू द पेनिनसुला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेनिनसुला को बचाना, क्योंकि यही है ब्लैक सी, फर्दर मरमरा सी, और फर्दर आपका मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्शन। सो रशियन इन्वेस्टिगेटर्स रिपोर्ट डेथ ऑफ 3 पीपल, ऑफिशियल स्टेटेड के वर्क टू फिक्स द डैमेज सेक्शन विल बिगिन इमीडिएटली। इसको रिपेयर करने का काम इमीडिएटली शुरू कर दिया गया है।
रशिया की न्यूज एजेंसीज ने यह भी बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है कि डिस्ट्रॉयड पार्ट ऑफ द ब्रिज इसको तुरंत ठीक किया जाए एंड स्विफ्टली रीओपन द पार्ट ऑफ द ब्रिज स्टिल इंटैक्ट और धीरे धीरे इसकी पार्शल रीओपनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज था जिसको कि टारगेट किया गया यूक्रेन के द्वारा। यहाँ पे यूके की नेवी कैसे, हिमांशु शर्मा, यूके की नेवी, फ्रांस की नेवी इंडियन ओशन में रहती है और यूके के आइलैंड्स भी हैं। यूके का कौन सा आइलैंड है इंडियन ओशन में, अभी रिसेंटली काफी चर्चा में भी था। वहां पर एक देश जो है वो यूके को कह रहा है कि आप ये आइलैंड हमें सौंप दो, ये भी हम मैंने आपको पढ़ाया था हिमांशु का क्वेश्चन, एनीबडी कैन आंसर के इंडियन ओशन में कौन सा आइलैंड है। चलिए तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से धमाका हुआ है यहां पर। नेक्स्ट है श्रीलंका ने कहा है कि हमने चाइना के साथ बातचीत शुरू कर दी है डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर। अब ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर श्रीलंका को पैकेज चाहिए, बेल आउट पैकेज चाहिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दैट इज IMF से, तो चाइना से डेट को रीस्ट्रक्चर करना होगा। अब ये होता क्या है डेट रीस्ट्रक्चर, देखिए डेट रीस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको कुछ टाइम पीरियड मिल जाता है। जैसे अगर आपको याद हो COVID-19 के बाद सरकार ने मॉरेटोरियम लगाया था कि अगर मान लीजिए कई लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो समय पर आप किश्त नहीं पे कर पा रहे हैं तो उस समय पर आपको कुछ महीनों की अवधि दी गई थी, वो डिले कर दिया गया था आपका लोन। उस तरीके से आप कह सकते हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अब इस चीज को लेकर चाइना का क्या रुख है, चाइना अभी चुप है। चाइना कह रहा है भाई साहब अभी मैं शी जिनपिंग भाई साहब की थर्ड टर्म शुरू होने वाली है और उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनना है कि नेक्स्ट लीडर कौन होगा, जो कि कहा जा रहा है शी जिनपिंग है। बीच में ये भी खबर आई थी कि कू हुआ है, पॉलिटिकल कू हुआ है चाइना में, बट ऐसी खबरें अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी खबर नहीं आई है। तो अभी तक चाइना के द्वारा श्रीलंका के लोन को लेकर डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात नहीं की गई है, बट चाइना श्रीलंका ने ये कहा है कि हम काफी ज्यादा बातचीत में हैं चाइना के साथ, बट चाइना ने कहा है कि हमें पहले अपने नए राष्ट्रपति को चुनने दीजिए फिर हम इस पर बातचीत करेंगे। यस यस संजय यस, कितनी न्यूज हो गई, ठीक है जी न्यूज हो गई है हमारी 3 न्यूज। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है स्पेसएक्स कैप्सूल कैरिंग रशियन कॉस्मोनॉट डॉक्स विद ISS। तो अब देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसमें 5 स्पेस एजेंसीज हैं, 5 स्पेस एजेंसीज कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, नासा, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसमें आपका रशियन कॉस्मोनॉट। और इसमें यूएस ने किस तरीके से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, देखिए स्पेसएक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क भाई साहब की, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी आने शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर स्पेसएक्स का कैप्सूल कैरिंग अ रशियन कॉस्मोनॉट एंड फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन, ये फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, इनका नाम बताया था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो इन स्पेस डॉक विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक लैब है, 2 BHK या 3 BHK की एक लैब है, लगभग धरती की सतह से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर, जो घूम रही है और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और किस तरीके से लो ग्रेविटी में किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स या कह लीजिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स परफॉर्म करते हैं उसके बारे में रिसर्च कंडक्ट करता है। ठीक है, जय हिंद अनुज, 15 मिनट हो गए हैं, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा, इनका जो स्पेस कह लीजिए सेंटर है जहां से ये अपने स्पेस लॉन्च सेंटर है वो कहां पर है, फ्लोरिडा स्टेट में, केप कैनरेबल, केप कैनरेबल फ्लोरिडा स्टेट में। नेक्स्ट न्यूज है रशिया ने नए जनरल को का नाम दिया है, मतलब सिलेक्ट किया है नए जनरल को, क्योंकि यूक्रेन में लगातार कह लीजिए हार मिल रही है, या जो एरियाज अभी रिसेंटली रशिया ने एनेक्स भी किए हैं 4 एरियाज, उसमें भी कुछ एरियाज में हमने देखा था लास्ट क्लास में भी कि किस तरीके से रशिया को पीछे हटना पड़ रहा है।
तो अब यहां पर नए जनरल का नाम डिक्लेयर किया गया है, ये है नए जनरल भाई साहब, देख सकते हैं पुतिन भाई साहब के साथ, और नाम है इनका जनरल सर्जे सुर विकिन। और ये जो है काफी अलग अलग पोर्टफोलियोज इन्होंने इससे पहले हैंडल किए हैं, कॉम्बैट एक्सपीरियंस इन द 1990s, कॉन्फ्लिक्ट्स विद द तजाकिस्तान, चेचन्या, चेचन्या एक इंपॉर्टेंट एरिया है रशिया में ही, जहां पर आपको कह लीजिए मुस्लिम पॉपुलेशन मिलती है, और वहां पर भी विवाद रहा है रशिया और चेचन्या में फोर्सेस के बीच में। और उसके बाद रिसेंटली सीरिया के साथ भी, जो जिसमें बशर अल असाद रिजीम के साथ मिलकर रशिया ने यूएस की सपोर्टेड फोर्सेस को काउंटर किया था, उसमें भी जो ये जनरल हैं जनरल सर्जी सोरोकिन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इनको नया कह लीजिए चीफ डिक्लेयर किया गया है, मिलिट्री चीफ या आर्मी चीफ डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, यूएन ने कहा है कि यूएन ग्रुप अडॉप्ट 2050 गोल ऑफ नेट जीरो एमिशंस फ्रॉम द प्लेन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि हम कार्बन एमिशंस को कम करना चाहते हैं, बट कार्बन एमिशंस को जो हम कम करना चाहते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा फोकस किस पर कर रहे हैं, रेलवेज पर या गाड़ियों पर। एक चीज पर फोकस जो ज्यादा नहीं गया है वो है बाय एयर, ठीक है, या कह लीजिए एयर ट्रेवल पर। तो एयर ट्रेवल क्या है, अभी बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है टोटल कार्बन एमिशंस का, बट अगले कुछ सालों में, अगले मतलब कह लीजिए लगातार पिछले कुछ सालों से जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है वो एयर ट्रेवल में ही देखी गई, और धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज का भी इसमें शेयर बढ़ता जा रहा है। तो ये कहा गया कि अब हमें एयर ट्रेवल पे, या कह लीजिए जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है एटीएफ जिसे बोलते हैं, उसमें भी हमें क्लीन एटीएफ फ्यूल को लाने की जरूरत है। सो द प्रोडक्शन ऑफ टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ मोर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सो ये इसीलिए क्योंकि इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा है एयर ट्रेवल की पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट न्यूज है, यूएन पॉन्डर्स रैपिड आर्म फोर्स टू हेल्प एंड हाइतीज क्राइसिस। सबसे पहले तो सवाल उठता है कि हाइती है कहां पर, तो हाइती की पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो जहां पर आपको सेंट्रल अमेरिका मिलता है, ठीक है जी, सेंट्रल अमेरिका, या कह लीजिए आपने कई बार वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, ठीक है, डेफिनेटली सुना होगा। तो वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम है वो एक्चुअली एक कंट्री की नहीं है, कई सारे आइलैंड से वो प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल, या कह लीजिए आपका मैक्सिको के साउथ में या क्यूबा के ईस्ट में, यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपको हाइती, ये रहा आपका कैरेबियन सी, यहां पर आपको ये कंट्री मिलता है। और ये सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, लगभग 1 करोड़ 10 लाख की पॉपुलेशन है, और इसकी जो कैपिटल है पोर्टो प्रिंस। अब इसमें पिछले कुछ सालों में कह लीजिए गरीबी, ठीक है, मेनली सो सप्लाईज ऑफ फ्यूल वाटर अदर बेसिक गुड्स के चलते, की कमी के चलते जो है यहां पर आपको एक सिविल अनरेस्ट देखने को मिलता है। अब इस सिविल अनरेस्ट के चलते हुए यहां पर आपकी यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी डिप्लॉयड है। सो यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि, लेटर सबमिट किया सिक्योरिटी काउंसिल को, कि किस तरीके से इमीडिएट एक्टिवेट किया जाए रैपिड एक्शन फोर्स को, ठीक है, आरएएफ कह लीजिए, रैपिड एक्शन फोर्स को, जो कि वहां की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट फोर्स बनाए, जॉइंट स्ट्राइक हो, और किस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या गैंग्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने पैरालाइज कर दिया कंट्री को, उनको रोका जाए। और अगर आप पूछें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, जैसे मैंने आपको बताया मेन रीजन ये है कि बेसिक नेसेसिटीज का ना होना, ठीक है। तो यहां पर प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम 10 मिलियन गैलन्स ऑफ डीजल गैसोलीन एंड मोर देन 8 लाख गैलन्स ऑफ कैरोसिन स्टोर्ड ऑन साइट। सो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर ये भी कहा गया है कि जो मानवीय सहायता है वहां के स्थानीय लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए। लास्ट हाइटी प्रेसिडेंट का असैसिनेशन, यस बिल्कुल जी, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव। पॉन्डर्स मतलब सोच रहे हैं उस पे, पॉन्डर्स, ठीक है, उस पे सोच रहा है यूएन, उस पे विचार विमर्श कर रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इस्माइल सबरी याकूब डिसॉल्व्स पार्लियामेंट, कॉल्स स्नैप पोल्स।
सो मलेशिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहां के प्राइम मिनिस्टर इस्माइल सबरी याकूब ने अनाउंस किया है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा मंडे को, मतलब कि आज, पेविंग द वे फॉर जनरल इलेक्शंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन अर्ली नवंबर। और ये जो है लगभग 9 महीने पहले इसको कर दिया गया, द इलेक्शन वुड कम 9 मंथ्स बिफोर द पार्लियामेंट टर्म एक्सपायर, क्योंकि वहां की सरकार को, जैसे इंडिया में भी है ये, ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को जाकर कहते हैं कि लोकसभा को भंग कर दीजिए पहले ही, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब ऐसा हुआ था, 6 महीने पहले ही, 4.5 साल की टर्म ही पूरी हुई थी और लगभग 6 महीने पहले ही इलेक्शंस करवा दिए गए थे, इस सोचते हुए कि हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों के द्वारा और हम इलेक्शन जीत पाएंगे। ऐसा हुआ नहीं 2004 में, बट कुछ इसी तरीके से यहां पर भी कह लीजिए पार्लियामेंट को भंग किया गया है और जो रूलिंग कोलिशन है उनको ये लग रहा है कि हाँ जी हम एक अलायंस बना के काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मलेशिया, नो कॉन्फिडेंस, नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन अलग है गौरव चंद्रा, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हुआ है वो। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, किर्गिस्तान कैंसल्स रशियन लेड मिलिट्री ड्रिल ऑन इट्स लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कितने देश हैं, 30 देश हैं और इसमें सबसे बड़ा देश कौन है, यूएसए, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रसल्स बेल्जियम। अब इसके ही काउंटर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी नहीं है, समबडी वाज टॉकिंग इनिशियली अबाउट टेक्नोलॉजी, सो इट इज ट्रीटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक ड्रिल होने जा रही थी, कहां पर, किर्गिस्तान में। तो अब सवाल उठता है कि इसमें कितने देश हैं, इसमें सबसे बड़ा देश जो है वो है आपका रशिया और इसमें 6 देश हैं, सो रशिया, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ठीक है, ये 6 देश हैं। और यहां पर एक एक्सरसाइज होने जा रही थी और एक दिन पहले मात्र किर्गिस्तान ने कह दिया कि ये एक्सरसाइज नहीं होगी, इसको लेकर उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, इंडेस्ट्रक्टेबल ब्रदरहुड 2022, नाम पे थोड़ा गौर कीजिए, इंडेस्ट्रक्टेबल ब्रदरहुड 2022। अब ये जो एक्सरसाइज है इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि यूएस या वेस्टर्न नेशंस इस सीएसटीओ, जिसको कि रशिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कह लीजिए एक ऐसी ग्रुपिंग बनाना चाहता है जो कि नाटो का काउंटर कर सके, दो वैसे ये इतनी बड़ी फोर्स नहीं है एक्चुअल में देखा जाए जो कि नाटो का काउंटर कर सके, बट स्टिल अब इसमें भी दरार पड़नी शुरू हो गई है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। उसका रीजन क्यों, क्या है, अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो अर्मेनिया और अजरबैजान में कंफ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान में, जैसे जो मैंने आपको काफी डिटेल में बताया भी था कि किस तरीके से अजरबैजान में आपको मेजरली, मतलब मोर देन 95% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन मिलती है, अर्मेनिया में थोड़ा मिक्स पॉपुलेशन है। अब यहां पर अर्मेनिया जो है वो सीएसटीओ का मेंबर है। अब जब ये युद्ध चला तो अर्मेनिया ने क्या कहा, अर्मेनिया एक छोटा देश है, अर्मेनिया ने किसकी हेल्प मांगी, अर्मेनिया ने हेल्प मांगी सीएसटीओ की, इन्होंने मना कर दिया, मतलब जो हथियारों की इन्होंने मांग की कि आप हमें हथियार भेजिए, सप्लाईज दीजिए, वो नहीं दिए गए। तो इसको लेकर अर्मेनिया भी खफा है और अर्मेनिया ने सीधा सीधा इसको मतलब क्रिटिसाइज भी किया। और लास्ट मंथ जो 2 हफ्ते की ड्रिल हुई थी, कलेक्टिव ड्रिल हुई थी कजाकिस्तान में, उसको भी अटेंड नहीं किया, आफ्टर क्रिटिसाइजिंग द ब्लॉक टू ओपनली साइड विद इट आफ्टर लार्ज स्केल फाइटिंग इरप्टेड ऑन इट्स बॉर्डर विद नॉन मेंबर अजरबैजान एट सितंबर, ठीक है, क्योंकि ये फेल हुए, मतलब इनके साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने कहा कि जब मेरे को जरूरत थी आप मेरे साथ खड़े होने की, आप मेरे साथ खड़े नहीं हुए, मैंने आपसे मिलिट्री एड मांगी आपने नहीं दी। तो उसको लेकर आर्मेनिया ऑलरेडी खफा चल रहा है। और अभी क्या न्यूज आई है कि किर्गिस्तान ने भी एक दिन पहले ही इस मिलिट्री ड्रिल को कैंसिल कर दिया है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं किर्गिस्तान, ये कजाकिस्तान, देन यहां पर आप देख सकते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान, तो ये इन दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट हुआ था, यहां पर आप रशिया को देख सकते हैं, ठीक है जी। स्पीकर कैन डू,
ठीक है, मैं आऊंगा उस पर स्पीकर, सोमन, मैं आपका आंसर भी करूंगा। नेक्स्ट है, ये क्लियर हो गया। सो यहां पर जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रशियन लेड है, 6 देश है, उनमें भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इन फूट डल रही है। और ऑब्वियसली ये कहने की जरूरत नहीं है जियोपॉलिटिक्स में कि इसमें हो सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यूएस या वेस्टर्न नेशंस का हाथ हो। और ये भी यहां पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि सीधा सीधा वो रशिया को कमजोर करना चाहता है, ठीक है, कौन, जो नाटो के कंट्रीज हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, नॉर्थ कोरिया फायर्स मोर मिसाइल्स, 7th launch in 2 weeks। सो नॉर्थ कोरिया ने 2 बलास्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया है इन द सी अर्ली संडे। अच्छा, ये लगातार चल रहा है, ठीक है, 7th, मतलब 2 हफ्तों में 7वां ऐसा कह लीजिए मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं। और क्योंकि साउथ कोरिया, जापान और यूएस मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि ये हमें क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, ये हम अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं, ये बताने के लिए कर रहे हैं कि अगर आप इस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज करोगे हमारे एरिया के पास में, तो ये जो है हम इस तरीके के मिसाइल्स लॉन्च करते रहेंगे। और इसको लेकर मैंने आपको बताया कि साउथ कोरिया जो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंड ले रहा है, और इवन जापान ने भी रिसेंटली जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। हाँ जी, ये नॉर्थ कोरिया आजकल बिल्कुल ऐसा चल रहा है, ठीक है, कि डेली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, स्कॉटिश लीडर इंडिपेंडेंस वोट की वॉट एवर कोर्ट सेज। देखिए, अब पहली बात तो थोड़ा सा यूके को समझ लेते हैं। तो यूके में 4 मेन हिस्से हैं, ठीक है जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड है, नदरन आयरलैंड है, देन आपका वेल्स है, देन आपका जो है इंग्लैंड है। अब यहां पर जो स्कॉटलैंड वाला पार्ट है, इसमें पहले भी जो स्कॉटलैंड है, या कह लीजिए स्कॉटिश पीपल जिसे कहा जाता है, ये अलग देश की मांग कर रहे हैं। और कुछ साल पहले ही यहां पर रेफरेंडम, या कह लीजिए प्लेबिसाइट भी हुआ था, या जनमत संग्रह जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो हुआ था। बट वो नैरोली यूके के फेवर में आया। यूके के फेवर मतलब लोगों ने, ज्यादा लोगों ने ये कहा, लगभग 54-55% लोगों ने ये कहा कि हम यूके का ही हिस्सा रहना चाहते हैं, हम अलग देश नहीं चाहते। अब यहाँ की एक लीडर है जिसका नाम है स्टर्जन, इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो कि स्कॉटिश नेशनलिस्ट नेशनल पार्टी को हेड करती हैं, एसएनपी को हेड करती हैं। तो यहाँ पर एडिनबर्ग, मतलब जो यहाँ की कैपिटल है, उन्होंने कहा कि हम अगले साल जो हमारे इलेक्शंस होंगे वो हम इसी बेस पर लड़ेंगे कि हमें प्लेबिसाइट चाहिए, और अगर हम जीतते हैं तो हम इस प्लेबिसाइट को कंडक्ट कराएंगे कुछ भी हो। और इस तरीके से जो 300 साल पुराना कह लीजिए एक यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, वो टूट सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के लिए प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं। एक तरफ इकोनॉमी, एक तरफ पाउंड स्टर्लिंग गिरता जा रहा है, एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं, एक तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, और उस दूसरी तरफ स्कॉटलैंड भी अलग होना चाहता है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं, यूके की ही न्यूज में, इंडिया और यूके का जो एफटीए है, जो कि कहा जा रहा था कि दिवाली तक, मतलब जैसे 24 अक्टूबर को दिवाली है, कि तब तक कंप्लीट हो जाएगा, एफटीए लागू हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो भी थोड़ा सा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वहां की सरकार जो है, देखिए ऑलरेडी प्रेशर है, इकॉनमी नीचे गिर रही है, तो उनको ये, मतलब ये कहा जा रहा है वहां की सरकार के द्वारा कि अगर ये एफटीए साइन होगा तो इससे क्या होगा कि टैक्सेस कम होंगे दोनों जो गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बढ़ेगा, तो जो हमारे तरफ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वहां के लोगों की नौकरियां जाएंगी और वहां के लोगों को नुकसान होगा, जो कि वहां की सरकार अभी के लिए नहीं चाहती। और उनको ये भी लग रहा है कि इससे इमिग्रेंट्स ज्यादा आएंगे इंडिया से, जो कि वहां की अगेन सरकार नहीं चाहती। ऑलरेडी वहां की सरकार हेडेड बाय लिज ट्रस, जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो उन पर कह लीजिए बैकलैश, बैकलैश मतलब गुस्सा ऑलरेडी चल रहा है वहां के लोगों का।
अब इस एफटीए को साइन करके अगर वहां की इकोनॉमी को और नुकसान हुआ, जो कि उनको लग रहा है कि हमारी टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उससे वहां के लोगों का और गुस्सा फूट सकता है सरकार पर। तो इसको लेकर भी वहां पर एफटीए भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इकोनॉमी भी गिर रही है, फॉरेक्स जो उनके रिजर्व्स हैं वो भी गिर रहे हैं, स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है, वो ऑलरेडी वहां पर ये मूवमेंट चल रही है। रीजन क्या है? ओके, रीजंस ये हैं मेनली। देखो रीजन यही है कि उनको लगता है कि हम इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे, हम यूके के साथ हमारा फोकस नहीं है, हमारी इकोनॉमी पर फोकस नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, हम पार्ट रहना चाहते हैं, मान लीजिए ईयू का पार्ट, और इंग्लैंड पर बहुत ज्यादा फोकस है, तो ये जो है पार्ट अलग होना चाहता है। और फिर बात ये भी आती है कि ये लगभग 300 साल पहले हुआ था जब यूके एक पावर बनना शुरू हो गया था, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि हमारी आइडेंटिटी भी अलग है, तो कई सारे रीजन है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, कि हम वी आर अ डिफरेंट इकोनॉमी, वी आर अ डिफरेंट पीपल। तो जैसे आप कह सकते हैं कि यूरोप में आपको अलग अलग कंट्रीज देखने, डाइवर्सिटी जो इंडिया की है और आप यूरोप को देखोगे, यूरोप में बहुत छोटे छोटे आपको देश मिलते हैं, ठीक है। जब आप यूरोप के देशों को देखते हैं, जिसको हम बाल्कनाइजेशन भी कई बार कहते हैं, तो वहां पर यही देखा गया कि एक पर्टिकुलर रेस जो है या पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एक देश है। बट अगर हम इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करें, दैट इज नोवेयर सीन इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूके की इकोनॉमी में क्राइसिस का कारण क्या है, ये हमने डिस्कस किया था वंशिका, प्लीज एक वीडियो भी अलग कट करके मैंने डाली हुई है, वो भी आप देख सकती हैं, ठीक है। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी डिटेल में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं, अभी के लिए मैं एक लाइन में आपको वंशिका इतना बता सकता हूं कि टैक्सेस कम किए ये सोचते हुए कि बिजनेसेस के पास टैक्सेस ज्यादा होंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, उससे इकोनॉमी का पहिया घूमेगा, जो कि एग्जैक्टली हमने किया था COVID-19 के बाद, बट ऐसा नहीं हुआ। बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया, रादर क्या हुआ, इससे जो है सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर जो करेंसी है, जो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, वो डेप्रिशिएट होना शुरू हुआ, और उसका रिवर्स इफेक्ट हो गया, जो एग्जैक्टली कहा था हमारे भाई साहब ने, किन्होंने, ऋषि सुनक जी ने, ठीक है, वही हुआ जो उन्होंने कहा था। चलिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी बेसिकली फेल कर गई। स्पोर्ट्स, नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स होंगे, और जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं इस राज्य की, उनको दोबारा से एक नया मुकाम दिया जाए, उनको लोगों में दोबारा से लाया जाए। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होगा, 6 लेवल्स पर होगा, और डिफरेंट कैटेगरीज मेन और वुमेन के लिए अलग से होगा, और सारे लोग, पीपल फ्रॉम ऑल एजेस कैन पार्टिसिपेट। और यहां पर ये कहा उन्होंने कि छत्तीसगढ़ जो है रिच और यूनिक कल्चर है, और मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम अपनी जो पुरानी गेम्स हैं उनको भूल गए हैं, उनको दोबारा से लाने की जरूरत है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स की बात की गई, तो इट्स अ गुड थिंग कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट लेवल पर भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, यूक्रेन ज्वाइन करेगा स्पेन और पोर्चुगल को टू बिड फॉर टू होस्ट 2030 फीफा वर्ल्ड कप। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने की ना एक होड़ रहती है कि हमारे देश में होस्ट किया जाए, एक तो नेशनल प्राइड है कि हमने वर्ल्ड कप को होस्ट किया। अब नेशनल प्राइड के साथ साथ इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल, एक डाटा दिखाता हूं, ये डाटा देखिए। देखिए, कोरिया या जापान में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें रेवेन्यू कलेक्ट हुआ $1.6 बिलियन, $1.6 बिलियन, और रशिया में जो हुआ उसमें 5.2, और जो कतर में अभी होने जा रहा है, नवंबर में शुरू होगा, नवंबर में जो वर्ल्ड कप शुरू होगा वो एस्टिमेटेड है कि $6.5 बिलियन। अब जिसको नहीं समझ आ रहा $6.5 बिलियन, तो उसको मैं बता देता हूं कि $6.5 बिलियन कितना होता है। अगर मैं 80 रुपीज का मानता हूं तो 8648 $1 बिलियन में है आपका 8,000 करोड़, ठीक है। तो 8 × 6 = 48 और 4 52,000 करोड़ रुपीस, 52,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट होगा,
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्राइड तो है ही, कि नेशनल प्राइड है तो यहां पर यस। और मोर ओवर स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ता है, तो यहां पर यूक्रेन जो है ज्वाइन करेगा स्पेन और पोर्चुगल को। और यहां पर कई बार क्या होता है कि कई ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर भी अपनी दावेदारी ठोकती हैं, या कह लीजिए जैसे आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ग्रीस मिलकर क्या कहेंगी कि हम तीनों देश मिलकर इसको कंडक्ट करेंगे। सिमिलरली साउथ अमेरिका के 4 देशों ने मिलकर भी ये प्रपोजल रखा है, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैरागुए एंड चिले, कि हम इस वर्ल्ड कप को कंडक्ट करना चाहते हैं, मतलब हमारे यहाँ पर कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से लास्ट आफ्टर दिस वर्ल्ड कप इन कतर, जो इसके बाद जो वर्ल्ड कप होगा, मान लीजिए 2026 में जो होगा, वो यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ठीक है, तो यूएस अपने आप में काफी बड़ा देश है और आराम से वर्ल्ड कप कंडक्ट करा सकता है, बट ये भी मिलकर यूएस, कनाडा और मैक्सिको कराने जा रहे हैं, जिसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर दो तीन फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है, 2026 का कहाँ होने जा रहा है, और 2030 के लिए कई देशों की दावेदारी है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेवेन्यू का भी आता है। प्री सीजन देखते हैं फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने पर तो पूरी रात सोएंगे नहीं, बट पढ़ाई कौन करेगा फिर। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहां पर होने जा रहा है, यूएस, कनाडा एंड आपका मैक्सिको में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 इंडिया हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने मेंस अवार्ड जीता है। सो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2021-22 का जो प्राइज है हरमनप्रीत सिंह को मिला है। और महिलाओं में जो है ये डच प्लेयर, नीदरलैंड्स की प्लेयर है फेलिस एल्बर्स, इनको जो है वुमेन्स कैटेगरी में ये प्लेयर अवार्ड मिला है। तो ये आप देख सकते हैं हरमनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ द दिस, और ये है आपका फेलिस एल्बर्स। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेशनल न्यूज पर। फर्स्ट नेशनल न्यूज है, नेशनल लोक अदालत टू बी हेल्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन नवंबर 12 टू डिस्पोज ऑफ द पेंडिंग केसेस थ्रू सेटलमेंट। देखिए लोक अदालत, लोक अदालत क्या है, इसको आप एक भाषा में कह सकते हैं एडीआर मैकेनिज्म। कई बार आप ये टर्म पढ़ेंगे एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या होता है, वैसे कई सारी चीजें हैं उसमें, आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कॉन्सिलिएशन है, बट इसमें ये इसलिए कंडक्ट कराया जाता है कि फास्ट, बहुत 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इंडिया के अलग अलग कोर्ट्स में। ठीक है, एक रफ एस्टिमेट 4 करोड़ की भी बात करता है। ठीक है, तो मैं फिर भी कम एस्टिमेट लेके चल रहा हूं, 3.5 करोड़ केसेस। तो इन केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसका एक कह लीजिए तरीका है नेशनल लोक अदालत। ये कंडक्ट कराया जाएगा 12 नवंबर को दिस ईयर टू डिस्पोज ऑफ द पेंडिंग केसेस थ्रू सेटलमेंट। तो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि 6,08,000 कंज्यूमर केसेस पेंडिंग है, और इन कंज्यूमर केसेस को कह लीजिए म्यूचुअल तरीके से, म्यूचुअल सेटलमेंट के तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें क्या किया जाएगा, आप भी अगर आपका भी कोई इस तरीके का कंज्यूमर केस है तो आप भी इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो कंज्यूमर्स के पास, कंपनीज के पास, ऑर्गेनाइजेशंस के पास SMS या ईमेल के थ्रू पहुंचेगा, उनको कहेगा कि आप अपना केस अगर लोक अदालत के थ्रू जल्दी निपटारा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, ताकि इन इस तरीके से केसेस को जल्दी से निपटारा किया जा सके। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का ये भी कहना है कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। हाँ जी, सारे केस तो सॉल्व नहीं होंगे बट काफी हद तक हो जाएंगे, और 3.5 करोड़ नहीं केस सॉल्व होंगे अंकित, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं 6,08,000, तो वो भी बहुत है। एक दिन में अगर 3-4-5 लाख भी कम हो जाए तो कम नहीं है वो। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन रेलवेज ने कहा है कि वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे ताकि 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर के रूप में जो है वो आ सकें, अपने कार्बन फुटप्रिंट को खत्म कर सकें, कम कर सकें, जीरो कर देंगे, नेट जीरो कर देंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अब ये कैसे करेंगे, मेनली 3-4 चीजें हैं।
मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स रूट्स, तो इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, शिफ्टिंग फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। तो इन सारी चीजों को डेवलप किया जाएगा ताकि नेट जीरो कार्बन। देखो किसी समय पर रेलवेज जो स्टीम इंजन यूज होते थे एक बहुत बड़ा सोर्स कहा जाता था कार्बन एमिशंस का। अब इंडियन रेलवेज ने कहा है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कि हम 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट इन्होंने प्रोजेक्ट जो लिया है अपने लिए वो ये लिया है कि जो मूवमेंट ऑफ फ्राइट माल भाड़ा जिसे हम कह सकते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स में बड़े बड़े हाईवेज पे आप देखते हैं, तो पूरा जो फ्राइट मूवमेंट है पूरे भारत का अगर मैं बात करूं तो वो 36% इंडियन रेलवेज के थ्रू होता है, जिसका परसेंटेज बढ़ाकर वो चेक करना चाहते हैं 45%। मतलब टोटल भारत का फ्राइट मूवमेंट का 45% बाय 2030 इंडियन रेलवेज के थ्रू। अब इसका कारण क्या है कि जो बाय रोड है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, रेलवेज जो है कंपैरेटिवली चीप भी है और कंपैरेटिवली क्लीनर है, ठीक है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है कंपैरेटिवली। तो यहां और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो यहां पर दोनों चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, सब्जी वाले पे करना है केस थोड़ा अच्छा करो किसी पे। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर कंस्टिट्यूट करने जा रहा है टास्क फोर्स फॉर मॉनिटरिंग चीता इंट्रोडक्शन इन कोनो नेशनल पार्क। सो सेंटर ने कहा है कि एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि चीता जो इंट्रोडक्शन की गई है नामीबिया से, जो चीता आए हैं नामीबिया से, ये जो चीता आए हैं यहां पर कूनो नेशनल पार्क में, उनके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। सो एनटीसीए वुड फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ चीता टास्क फोर्स और जो भी नेसेसरी हेल्प है वो दी जाएगी। ये 9 मेंबर टास्क फोर्स होगी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरीज फॉरेस्ट एंड टूरिज्म मध्य प्रदेश के होंगे। और ये इसमें ये कहा गया है कि टास्क फोर्स विल बी इन्फोर्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और इसका मकसद है कि एक सब कमिटी भी बना सकती है जो कि रेगुलरली कुनो नेशनल पार्क में जाए, चीता इंट्रोडक्शन एरियाज को विजिट करे और देखें कि चीता ठीक है या नहीं जो नामीबिया से चीता लाए गए हैं। सोलर पैनल लगा रखे हैं बारिश में तो वर्किंग ही स्टॉप हो जाएगी इनकी। देखो एक बात और बता दूं जो सुरभि कह रही है कि सोलर पैनल जो बारिश में, तो बेटा एक टर्म होता है सोलर पोटेंशियल देखा जाता है, ठीक है, हर एरिया का एक सोलर पोटेंशियल होता है, उसमें देखा जाता है कि एवरेज एक दिन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जिस दिन एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस दिन काफी ज्यादा भी होती है, उसको आप स्टोर भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो अब नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब सोलर पैनल्स की बात करते हैं आप, तो सोलर पैनल्स में ये नहीं होता कि सूरज ही होना चाहिए, लाइट से मेन होता है उसका, तो फर्स्ट लाइट से लेकर लास्ट लाइट तक, हाँ ऑब्वियसली जब सूरज है तो उसकी जो एनर्जी कन्वर्जन है वो काफी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा एनर्जी पहुंच रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल बिजली प्रोड्यूस ही नहीं होती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज रिट्रीट्स कंट्रीज कमिटमेंट कि किस तरीके से हमने एमिशन को 45% तक कम करना है 2005 के लेवल पर को लेकर 2030 तक, जो कि पंचामृत है, पंचामृत जो टारगेट्स दिए गए थे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लास्ट ईयर COP26 में, COP26 जो कहां पर हुई थी, ग्लासगो में। अभी COP27 कहां पर होने जा रही है, एक बार जल्दी से लिखो COP27। अब इसके लिए ये कहा गया है कि इस साल नहीं अगले कुछ सालों में 7,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आपकी भारत के अलग अलग शहरों में दौड़ती हुई आपको दिखेंगी, 7,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस। हाँ जी, COP27 कहाँ होने जा रही है, हमने पढ़ा है 2-3 बार पढ़ा है, इजिप्ट में, यस सॉरी, वेरी गुड, श्रम अल शेख, ठीक है, श्रम अल शेख इजिप्ट, गुड, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं QR कोड बेस्ड रैपिड OPD रजिस्ट्रेशन। बहुत ही बेहतरीन एक कंसेप्ट लाया जा रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा अंडर फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कभी गए हैं तो आपने लंबी लंबी लाइनें, बहुत लंबी कतारें देखी होंगी, तो अब क्या होने जा रहा है कि आप
कोड है, इस कोड को स्कैन कर पाएंगे। इस कोड को स्कैन करते ही आपके पास एक लिंक आ जाएगा। अब ये कोड को आप स्कैन कर सकते हैं कई सारी एप्स के थ्रू, ठीक है। कई सारी एप्स हैं, जैसे कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की ही ऐप है, आभा जिसे कहा गया, ठीक है, आभा ऐप है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इस तरीके की जो एप्स हैं गवर्नमेंट की, उनसे आप इस QR कोड को स्कैन कर पाएंगे। आपको एक लिंक आएगा, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन भरेंगे, ठीक है, नाम, फादर नेम, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है आप उसको फिल करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपको एक टोकन जनरेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको ओपीडी का टोकन घर बैठे मिल गया, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर आप जब वहां पर पहुंचेंगे तो आपको वो दिखाएगा कि कितने नंबर पे आपका चल रहा है नंबर, तो आप उससे आपको पता लग पाएगा रियल टाइम पर कि आपका नंबर कब आने वाला है। तो जब आपका नंबर आने वाला होगा, आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है जी। वहां पे सबसे पहले ओपीडी में जाकर पर्ची लीजिए कि हाँ जी मेरा ये टोकन नंबर है, वो आपको पर्ची मिल जाएगी और जाकर आप अपना डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके जो लंबी लंबी कतारें हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के बाहर, उनको कम किया जा सके, ये लाया जा रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, ठीक है जी। सो इंट्रोड्यूस द QR कोड बेस्ड रैपिड ओपीडी रजिस्ट्रेशन द हॉस्पिटल, और ये सर्विस अलाउ करेगी ओल्ड एज वेल एज न्यू पेशेंट्स को कि सिंपली वो एक QR कोड को स्कैन करें, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, नाम, फादर नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, उसको फिल करें, और आपको एक टोकन नंबर जनरेट होगा। वो टोकन नंबर से आपको पता लग जाएगा कि कितना नंबर पर मेरा है और कब मेरी बारी आएगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप जाकर वो पर्ची लेके आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है जी। तो काफी अब ये ऑलरेडी आपका दो हॉस्पिटल्स में, सो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आपका हो चुका है दिल्ली में, एंड श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली, तो दो हॉस्पिटल्स में ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया है। धीरे धीरे इसको बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में लाने की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th असेंबली टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 17 टू 20। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं असेंबली होने जा रही है 17 से 20 अक्टूबर को इसी महीने, और पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह, जो कि पहले IAS ऑफिसर भी थे, उसके बाद मंत्री बने, वो इस असेंबली को हेड करेंगे, प्रिजाइड करेंगे, और उन्होंने कहा है कि सोलर एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और इट इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आज के समय पर। उन्होंने कहा सोलर और मिनी ग्रिड्स आर द आंसर टू यूनिवर्सल एक्सेस टू एनर्जी इन द वर्ल्ड, और इंडिया होल्ड्स ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ IESA असेंबली, और ये इसमें लगभग 109 मेंबर्स एंड सिग्नेटरी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो कंसेप्ट भारत ने दिया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया को सोलर ग्रिड के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसा कि सुरभि ने भी क्वेश्चन पूछा कि आप जहां पर अभी सन है वहां पर देखो एनर्जी क्या है, इस कहते हैं ना कि इज नीदर क्रिएटेड कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सॉरी। तो यहां पर आप जहां पर सन की अवेलेबिलिटी है वहां पर एनर्जी को प्रोड्यूस करके, जहां पर अभी सूरज नहीं होगा है अभी कह लीजिए, वहां पर उसको आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया को एक ग्रिड में आप जोड़ सकते हैं, और सोलर एनर्जी के थ्रू जो कि क्लीन एनर्जी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। नेक्स्ट न्यूज है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। बिल्कुल ठीक कहा, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ये कहा गया है कि अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, खैर अभी तो बारिश चल रही है NCR या नॉर्थ इंडिया रीजन में, जैसे अभी बारिश खत्म होगी, एक अच्छी बात ये आ रही है अभी पिछले कुछ दिनों से कि पराली कम जल रही है, बट अगर पराली जलती रही, फॉगी कंडीशन आएंगी, अभी सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं, तो यहां पर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पुअर होता हुआ नजर आएगा। अब ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से इसका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाला जाए, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, PNG जो क्लीन फ्यूल है, ठीक है, जैसे आप देखते हैं CNG की गाड़ियां हैं, वैसे PNG है, ठीक है। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये आपका प्रोवाइड किया जाए,
जो कि कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल माना जाता है, ज्यादा अफोर्डेबल है, क्लीन है, अनइंटरप्टेड सप्लाई, यूजफुल, कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ, ठीक है। तो इन सारी की सारी कंफर्टेबल, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली एनसीआर के एरिया में जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो डीजल या कह लीजिए कोल बेस्ड हैं उनको बंद किया जाए, एक्सेप्ट थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज होगा, उसके अलावा बाकी सब जगह कोल को बंद किया जाए ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्रूव किया जा सके। तो आप देखेंगे फ्यूचर में किस तरीके से गैस, इसीलिए हम बहुत ज्यादा फोकस है। अभी रिसेंटली तापी पाइपलाइन को लेकर भी बात चली, और इवन रशिया का जो फार ईस्ट वाला इलाका है, अगर आपको याद हो अभी रिसेंटली एक समिट हुई थी रशिया फार ईस्ट, जिसमें इंडिया ने कहा था कि हम $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपको याद हो हमने क्लास इसी क्लास में पढ़ा था, तो वहां से भी हम कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि गैस के काफी भंडार हैं, या कह लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं, तो वो हम भारत लाना चाहते हैं फॉर द सेम रीजन, क्लीनर फ्यूल और अफोर्डेबल है और एनर्जी एफिशिएंट है एंड मोर ओवर एनवायरमेंट फ्रेंडली है। 7 मंथ से बाहर वॉर चल रही है, किसी ने बोला नहीं बोला पॉल्यूशन का, बट दिवाली पर पड़ा। ओके जी, ठीक है पंकज, ऐसा नहीं है, पॉल्यूशन की बात चल रही है, और ये सिर्फ दिवाली को लेकर नहीं चल रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पॉल्यूशन है वो एक रियल प्रॉब्लम है, एंड अगर आपने अभी रिसेंटली जो दशहरा प्रोग्राम हुआ, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस इन दिल्ली कि यहाँ पर पटाखे नहीं चलाए गए हैं, रादर मतलब ऐसा नहीं है कि जो दशहरे का प्रोग्राम है वो नहीं हुआ, उसमें मेनली क्या किया गया, जो भूसा है जैसे उसको यूज किया गया, ठीक है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोगों ने भी खुद से प्रोएक्टिवली इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ईरान, सॉरी ईरान ने भी ऑफर दिया है, ठीक है, सॉरी ईरान नहीं, इंडिया, इंडियन आर्मी इंडक्ट्स इंडिजीनियस 4x4 आर्मर्ड टेरेन व्हीकल्स टू एनहांस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। देखिए जहां पर आपको टफ टेरेन मिलता है वहां पर आपको मिलती है 4x4 गाड़ियां। अब ये 4x4 गाड़ियां क्या होती हैं, इफ एनीबडी ऑफ यू नो अबाउट 4x4 या फिर गाड़ियों में थोड़ा शौक रखता है, सो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जब 4x4 यूज करते हैं तो जहां पर आपको स्लिपरी रोड्स मिलती हैं वहां पर आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसमें आपकी नॉर्मल जो गाड़ियां हैं वो नहीं वर्क करती हैं, ठीक है। आई हैव सीन अगेन, आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन त्रिपुरा, तो वहां पर हमारे पास जो भी गाड़ियां थी वो 4x4 थी, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा कह लीजिए बारिश और इतनी स्लिपरी रोड्स थी तो वहां पर नॉर्मल गाड़ी काम नहीं कर सकती, वहां पर 4x4 मतलब कह लीजिए बारिश के समय पर तो मैंडेटरी ही था एज पर द गाइडलाइंस कि आपको वो यूज करनी है। अब ये आर्मर्ड टेरेन व्हीकल्स भी 4x4 आ गए हैं, इसका मकसद क्या है, एक तो ये इंडिजीनियस है, दूसरा जब आर्मर्ड टेरेन व्हीकल्स आपके 4x4 होंगे दैट मीन्स टफ टेरेन में आप इस कह लीजिए आर्मर्ड टेरेन व्हीकल्स को ले जा सकते हैं, और आर्मर्ड व्हीकल जब जाएंगे यहां पर आपकी जो पावर है जो फोर्स है ठीक है वो आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है जी। नोन फॉर स्टेबिलिटी, यस मकैन नोन फॉर स्टेबिलिटी, मंगल कह रही है और कितनी न्यूज है, मैं बोलते हुए नहीं थक रहा, आप पढ़ते हुए क्यों थक रहे हैं, तो आपको सुनना है, मैं बोलते हुए नहीं थक रहा, मैं लगा कितनी न्यूज कर चुका हूं कवर, डोंट वरी जस्ट हैव पेशेंस मंगल। ओके नेक्स्ट न्यूज है जीएनके फर्स्ट टू एस्टेब्लिश 75 अमृत सरोवर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर मिशन अमृत सरोवर। प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था अमृत सरोवर का। देखिए अमृत सरोवर का कंसेप्ट क्या है, अमृत सरोवर का कंसेप्ट ये है कि किस तरीके से जो वाटर हार्वेस्टिंग है ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग को इम्प्रूव किया जाए। रिसेंटली जो अर्बन डेवलपमेंट है उसमें क्या हुआ है कि जो पानी को इकट्ठा करने का सोर्स था, पहले क्या था कि पानी को छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाकर सेव किया जाता था, तो इससे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती थी, एक ऑब्वियसली वाटर अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर लेवल आपका बना रहता था ठीक है, और जो भी एक्सेस वाटर है वो आपका वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो फ्लड्स की भी प्रॉब्लम, अर्बन फ्लड्स की प्रॉब्लम भी कम थी
और पानी की शॉर्टेज से भी बचा जा सकता है, वाटर कंजर्वेशन भी है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि इन जो कह लीजिए जो छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं या सरोवर्स हैं, इनको रिक्लेम कर लिया गया ड्यू टू लैक ऑफ लैंड और यहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की गई। अब दोबारा से ये कहा जा रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग की इस टेक्निक को, इन छोटे छोटे सरोवर्स को डेवलप करने की जरूरत है। तो रिसेंटली ये कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से 75 75, बिकॉज 75 हम साल पूरे किए हैं हमने इंडिपेंडेंस के, अमृत महोत्सव हमने अभी रिसेंटली मनाया, तो 75 अमृत सरोवर बनाए जाए। तो इसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जो यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के 75 अमृत सरोवर्स बनाएंगे ताकि वाटर अवेलेबिलिटी को, वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, 66 धम्म चक्र परिवर्तन डे बीइंग सेलिब्रेटेड एट दीक्षा भूमि इन नागपुर। सो महाराष्ट्र में 66 धम्म चक्र परिवर्तन डे मनाया गया। एक्चुअली ये धम्म चक्र परिवर्तन डे महाराष्ट्र में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उन्होंने विजय दशमी के दिन, या कह लीजिए दशहरे के दिन, 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म को अपनाया अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ। तो यहां पर क्या होता है कि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो दोबारा इकट्ठे होते हैं और इसको धम्म चक्र परिवर्तन डे के रूप में मनाया जाता है मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के द्वारा, ठीक है। सो कई सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने फूड फॉर फॉलोअर्स एट वेरियस प्लेसेस इन सिटी ऑफ नागपुर ये आपका कंडक्ट किया और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये सभा कंडक्ट की गई, ठीक है जी। सो मेनली इट इज बिकॉज, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया 14 अक्टूबर 1956, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज जो कि सुबह से ही सुर्खियां बनी हुई है, समाजवादी पार्टी के पेट्रार्क या कह लीजिए फाउंडर और यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, 82 ईयर ओल्ड मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। ये कई दिनों से बीमार चल रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल गुड़गांव में या कह लीजिए गुरुग्राम में एडमिट थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर थे और कुल मिला के जो है इनका जो पॉलिटिकल सफर है वो यूपी में, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर आए 1967 में, और मेंबर ऑफ असेंबली 10 बार रहे हैं, लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, और पहली बार ये मंत्री बने 1977 में जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री भी रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स फॉर गर्ल्स, बेटियां बने कौशल, ये शुरू किया जाएगा कल से। सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेगा जिसमें कि स्किलिंग, मतलब स्किल डेवलपमेंट की जाएगी नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स के लिए, फॉर गर्ल्स बेटियां बने कौशल, मतलब कौशल स्किल्स, मतलब गर्ल्स की स्किल्स को इंप्रूव किया जाए। सो कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो कह लीजिए कल आपका इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड भी है और इसी पर जो है फोकस करते हुए कई सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ये इंश्योर करेंगी कि किस तरीके से बच्चियों की स्किल डेवलपमेंट की जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए और उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम स्टेम भी कहते हैं। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया जो कि डॉक्टर तेमसुला ओ, जो कि आती हैं आपका नागा लैंड से, नागा कल्चर को पॉपुलराइज करने के लिए राइटर हैं और पद्मश्री से उनको रिसेंटली नवाजा गया था और उनका देहांत हो गया, उसको लेकर अपना खेद व्यक्त किया है। हर एफर्ट्स इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर वर नोटवर्थी, ही एक्सप्रेस कंडोलेंस टू हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो डॉक्टर तिमसोला ओ, जो कि नागा कल्चर को लेकर उन्होंने अपनी कह लीजिए किताबें लिखी हैं, लिटरेचर लिखा है। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने नॉमिनेट किया है लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को, एथलीट नीरज चोपड़ा को एंड
एक्टर अजय देवगन टू किक ऑफ द ड्रीम कैंपेन, ताकि इंडियन फीमेल फुटबॉलर्स को, जो कि अभी आपका अंडर 17 वर्ल्ड कप होने जा रहा है गोवा में जो कंडक्ट होगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि पहली बार आपकी कौन से वाली पिच आने जा रही है, कौन से वाली पिच, ठीक है जी, कौन से वाली पिच, हाइब्रिड पिच, हाइब्रिड पिच, ठीक है, हाइब्रिड पिच जो है वहां पर गोवा में आई है, तो वहां पर हमारी जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है उनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, जो भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में होगा। चलिए अगली न्यूज है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है एक पीसफुल और प्रॉस्परस असम बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो ये जितने भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे असम में उनके साथ ही ये मीटिंग कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं, जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं ये बैठे हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि असम का स्टेबल होना पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री जी ने डेडिकेट किया है ले फाउंडेशन प्रोजेक्ट ऑफ स्टो मतलब फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ 8,000 करोड़ इन भरूच गुजरात। तो 8,000 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू किया गया गुजरात में, और ये कहा गया अभी रिसेंटली हमने फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। अच्छा फिफ्थ लार्जेस्ट बने हैं, चार कौन कौन सी हैं, टॉप पर चार कौन कौन सी हैं, एक बार जल्दी से लिख दो, ठीक है, टॉप पर चार इकोनॉमीज कौन, मतलब हमसे ऊपर चार इकोनॉमीज कौन कौन सी। यूएस, कनाडा, ठीक है जी, जापान एंड वॉइस सही नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, मंगल एंड देन इज योर जर्मनी, ठीक है जी, जर्मनी, उसके बाद आता है इंडिया, उसके बाद आता है आपका यूके, यूएस, चाइना, कनाडा, नहीं जी, कनाडा बहुत छोटा कंट्री है कंपैरेटिवली, अमन, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, अभी हमने यूके को क्रॉस ओवर किया। ये आपका सीडीएस का क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, उसमें से पूछा कि इंडिया सिक्स, उस समय पर इंडिया सिक्स लार्जेस्ट थी, तो पूछा इनमें से कौन सा इंडिया से जो है हायर पोजीशन में नहीं है। बाकियों को भी नहीं आ रही आवाज, बाकियों को आ रही है, मंगल अपना एक बार चेक करो कनेक्शन। ओके नेक्स्ट, यस, ये न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट कलीजियम रिजॉल्व्स नॉट टू अंडरटेक फर्दर डिलीबरेशंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट कलीजियम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कलीजियम में कौन होता है, एक सीजीआई होते हैं और चार सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, अब यहां पर कलीजियम जो है जनरली क्या होता है कि साथ में मिलकर नाम को तय करता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए या हाई कोर्ट के जजेस के लिए नाम को तय किया जाता है। अब यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अभी जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस यूएस ललित, उन्होंने क्या किया कि कोलिजियम को जो नाम है रेकमेंड किए गए वो जो है सर्कुलेशन के थ्रू नाम को रेकमेंड किया, मतलब सर्कुलेशन के थ्रू, मतलब कह सकते हैं कि पहले नाम रेकमेंड किया तो, और उसको फाइल को आपने के दूसरे जज के पास जाएगी, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, इस तरीके से। अब इस चीज को लेकर जो है दो जजेस ने, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि नेक्स्ट सीजेआई होने जा रहे हैं, एस अब्दुल नजीर जो है, अब ये दोनों जजेस ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल का अपोज किया है, इसको ऑब्जेक्ट किया है कि ये ठीक नहीं है कि आप इस तरीके से जो है सर्कुलेशन के थ्रू, सर्कुलेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया फाइल मूव कर रही है एक जज से दूसरे जज के पास फिर तीसरे जज के पास, आइडियली क्या होना चाहिए कि सारे कोलिजियम को, पांचों जजेस को साथ में बैठकर डिस्कशन करना चाहिए टेबल पर, और उस तरीके से नाम जो है आगे जाना चाहिए। और इसमें आप एक और चीज ध्यान रखना कोलिजियम सिस्टम में कि अगर दो जजेस भी, पांच में से दो जजेस भी किसी नाम को मना कर देते हैं तो वो नाम आगे रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है, वो लॉ मिनिस्ट्री को या एग्जीक्यूटिव को नहीं भेजा जाता, ठीक है, तो मिनिमम पांच में से चार जजेस का ओके होना जरूरी होता है, ठीक है जी। लो है बट मैनेजेबल, आई डोंट नो, आई थिंक पेड क्लासेस में सही आ रही है, सेम माइक से आवाज, अनुज एंड कुंज पांडे, अब यहां पर जो है आवाज कम हो रही है।
चलिए एनीवेज चलते हैं आगे। सो यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट होता है। काफी सारी न्यूज थी, अभी तो मैंने इकोनॉमी और साइंस एंड टेक की न्यूज कवर नहीं की है क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि इसी को कवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। जो इकोनॉमी की तीन चार न्यूज थी और साइंस एंड टेक की भी दो तीन न्यूज थी, वो मैं कल कवर करूंगा। ठीक है जी, चलिए अब क्विज को कर लेते हैं, डन शुरू किया जाए। सो हु रिसीव द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 अवार्ड? मुमताज खान, सविता पुनिया, शर्मिला देव, लाल रेम सियामी। ठीक है, सो हु रिसीव द FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? 31 न्यूज हो गई आज, वंशिका कह रही है। तो 3 दिन की पेंडिंग भी था ना, आप सोचो कि मैं 3 दिन बीमार रहने के बाद भी लगातार बोलता गया। ठीक है चलिए, नो इट इज नॉट पोल आ गया जी, पोल। राइजिंग स्टार की बात कर रहा है, राइजिंग स्टार की। मुमताज खान, राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार। ठीक है, सो आंसर इज योर मुमताज खान। टू विच कंट्री इंडियन नेवी शिप INS तीर एंड INS सुजाता अलोंग विद इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी अराइव फॉर अ ट्रेनिंग एक्सचेंज ऑन 4 अक्टूबर? थाईलैंड, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत। ठीक है, किस कंट्री पर ये पहुंचा है? हाँ जी, पब्लिक गलत हो गई है इस केस में। यस, सो किस कंट्री के साथ इंडियन नेवी शिप INS तीर एंड INS सुजाता अलोंग विद इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी राइड फॉर अ ट्रेनिंग एक्सचेंज ऑन 4 अक्टूबर? यस 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 श्रेया, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, कुवैत। ठीक है, कुवैत, कुवैत में पहुंचा था हमने। इसके बारे में पर्शियन गल्फ में मैंने आपको बताया भी था कि पर्शियन गल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज विनर्स फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। साइंटिस्ट कैरोलिन बर्तोजी, मार्टिन मेल्डल, के बेरी, शार्पलेस वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। साइंटिस्ट, सिंपल नाम है। नोबेल प्राइज विनर्स फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। कई लोग जो है सिर्फ बैठकर देखना पसंद करते हैं, पर पार्टिसिपेट, वोटिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, हर स्टार्ट अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म विच हैज बीन क्रिएटेड बाय विच यूनिवर्सिटी? मुंबई यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, हर स्टार्ट अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है?
सरकारी ऑप्शन बहुत दिनों बाद देखने को मिला आज। ठीक है, हाँ जी। हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड बाय विच यूनिवर्सिटी? मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, जिन बच्चों ने कल, मैंने एक जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी पे एक क्लास ली थी, तो जिनके पास भी स्पोकन इंग्लिश बैच का एक्सेस है, जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश बैच में एनरोल कर रखा है, उनको भी वो क्लास दिख जाएगी। तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी को लेकर काफी बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, तो मैंने काफी बेसिक से डिस्कस किया है, तो प्लीज उसको जाकर देख लेना, ठीक है, वो लेक्चर। ओके, चलिए, तो आंसर है इसका बिल्कुल ठीक, गुजरात यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, सो आंसर आपका गुजरात यूनिवर्सिटी। विच कंट्री विल गेट इट्स फर्स्ट कम्युनिटी ड्रिवन टेम्पल? ठीक है जी, कम्युनिटी ड्रिवन हिंदू टेम्पल आई शुड से। ठीक है, सो फर्स्ट, ओके, अभी रिसेंटली मतलब किस कंट्री में ये आपका जो है कम्युनिटी ड्रिवन हिंदू टेम्पल आने जा रहा है? कतर, यूएई, साउदी अरेबिया, कुवैत। कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट है तो। इजी है, किस देश में ये आपका आया है? यस, ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर सही दे रहे हैं। आंसर इज योर यूएई। ऑन 36 नेशनल गेम सर्विसेज हैज विद, ठीक है, प्रचंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू एयरफोर्स एट बेंगलुरु, जोधपुर, पैरकपुर, हासीमारा। हाँ जी, प्रचंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड में काफी ज्यादा कारगर साबित होगा फोर्सेस के लिए। ठीक है जी, सो आंसर इज योर जोधपुर। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्विज, थैंक यू वेरी मच। So, ये है आपकी टीम निष्ठा ऐप, इस पे बहुत सारे टेस्ट भी अवेलेबल हैं, सो जिसमें आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जीमेल और इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज डू कमेंट इन द राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड रीच टू द फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री, टू द एवरी डिफेंस एस्पिरेंट दिस सेशन शुड रीच। रादर एनीबडी हु वुड लाइक टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, उसको ये सेशन का पता होना चाहिए। धन्यवाद यशिका, वरना, प्रियंका, मुकुल, अमन, अनुज, थैंक यू अनुज, आई विल सार्थक। आज काफी ज्यादा मैंने एग्जर्ट कर लिया है, क्लासेस भी काफी लंबी गई और आज ये वाला सेशन भी काफी बड़ा हो गया है। सो आई टेक योर लीव नाउ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। तो जो न्यूज आपकी 3 दिन की बची हैं वो मैं डेफिनेटली आपकी कवर करूंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक बच गया था, आज ऑलरेडी हमने 30 से ज्यादा न्यूज कवर की है, और ऐसे ही मैं अगले 2 दिन में जो बची हुई न्यूज है वो कवर करूंगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मकसद यही था कि आपका जो है कवर हो जाए, जो 3 दिन का गैप है वो कवर हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।